एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे है 10:30 का टाइम हो रहा है लगभग। नहा के आई हूँ, नहा के मतलब कपड़े धुल के डाल गई थी ड्रायर में सुखाने के लिए और चली गई थी पूजा करने के लिए। तो बस पूजा भी हो गई है और मैंने कहा चलो इनको सुखा देती हूँ कपड़ों को, फिर सीधा लगूँगी किचन में। 10:30 का टाइम हो रहा है, इसे बताया मुझे अब खाना ही बनाना है सीधा, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। पापा तो की तो ठीक, मतलब ठीक ही थे पापा, ऐसा नहीं है, तबीयत तो है ही उनकी ख़राब, पर हाँ थोड़ा सा उनको आराम था। लेकिन मम्मी की भी थोड़ी सी हो गई है तबीयत आज ख़राब हल्की सी, तो इस वजह से मम्मी अभी लेटी है। मैंने कहा फटाफट से भाई मुझे ठाकुर जी मुझे ही नहलाने, तो मैं अपना काम जैसे जैसे कर लिया है और उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता। तो कह रहे थे मम्मा पास्ता बना दो, तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, पास्ता वगैरह मैंने बॉईल कर दिए थे, तो वो मैं सब नहा के पूजा करने से पहले ही करने चली गई थी, जिससे कि ये था ना कि पूजा करनी है तो उस टाइम तक ये सारे काम प्री कर गई थी मैं। जैसे पास्ता उबाल गई थी, कपड़े सुखाने डाल गई थी धो करके, तो बस यहाँ पे पास्ता डाल के और मैंने डाला है यहाँ पे मैगी मसाला, बस यही डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चों को कोई भी सब्जी पास्ता पसंद है ही नहीं। मैंने एक बार बनाए भी थे तो नहीं खाते हैं कि नहीं मम्मा हमें बस वही सिंपल वाले, यही सिंपल से बिल्कुल मैगी मसाला का एक पाउच डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें जो है सोया सॉस डालूंगी और थोड़ा सा विनेगर, यही पसंद है। थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं मीठा, मीठे में इसे गुड़ या चीनी आप जो भी चाहें, तो मैंने तो बस यही डाला है। इसी तरह का पास्ता पसंद है, मैं तो कह रही थी मैं क्या इसकी रेसिपी शेयर करूँ, आप लोग क्या कहेंगे कैसे, मतलब ये कोई पास्ता हुआ, पर क्या करूँ बच्चों को जो पसंद है वही बनाना पड़ता है। मैं डाल दूँ सब्जी नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते, पसंद ही नहीं करते। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ जो है वो मैं इसमें कस के डाल दूंगी, जैसे कि थोड़ा सा टाइट हो गया था तो इससे घुल भी जल्दी जाएगा, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे गुड़ डाल दिया है और पास्ता यहाँ पे हो गया है बस रेडी। तो यहाँ देखिए बन रहा है पास्ता, और ऐसा पास्ता किसको पसंद है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी ना सब्जी ना कोई चीज़, और इन लोगों को इसी तरह का पसंद है। क्यों रे? हाँ, कुछ दाल सब्जी वगैरह कुछ नहीं, वैसे पसंद है। हाँ, इनको ऐसे पसंद है। मैंने कहा धनिया डालूँ थोड़ा सा, धनिया वो भी मत डालो। बताओ किस किस को पसंद है ऐसा पास्ता? मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मुझे तो सब्जी वगैरह होने के लिए वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पास्ता रेडी हो गया है, बेकार सा मैं तो इसको बेकार ही बोलूँगी भाई पर इनको पसंद है, क्या करूँ। वो कहती हूँ कि इसको प्याज जलवा लो, टमाटर, कुछ भी पसंद नहीं है। तो चलिए पास्ता इनका नाश्ते में बन गया है, नाश्ते में पास्ता है। तो बस और मम्मी पापा के लिए बनाऊंगी खिचड़ी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और हमारे यहाँ वही चीज़ है, तीन पीढ़ियाँ हैं, तीन पीढ़ियों को तीन तरह का खाना पसंद है। इन लोगों को पसंद है इस टाइप का फास्ट फूड टाइप, और इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है फास्ट फूड वाला खाना बिल्कुल भी, और मम्मी पापा को तो अपना वही खाना पसंद है, लौकी तोरी खिचड़ी इडली ये वाली चीज़, और इनको ना ये पसंद ना वो पसंद, बीच वाला पसंद है। तो भाई मैं अकेली जान कितना करूँ काम, क्या क्या करूँ, मतलब तीनों की फरमाइश, तीनों पीढ़ियों की फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। तो यहाँ इनका बन गया है, इनके लिए देखूँगी क्या बनेगा, मम्मी पापा के लिए खिचड़ी बनाऊँगी। तो चलिए इनके लिए कर देती हूँ, इनको सर्व बन गया है, तैयार हो गया, गैस को कर दिया है बंद, और देखते हैं कैसा बना है। कैसा लगा पास्ता? सादा सिंपल सा, और ये मैंने ना ये वाव से कुछ सामान मंगाया है, वाव से बहुत सारे आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या है इसमें। तो बच्चों को नाश्ता देख के मैंने खिचड़ी छोंक दी थी, यहाँ पे खिचड़ी होगी तैयार बिल्कुल मरीजों वाली, मूंग की दाल से और चावल से, बस छोंक की तैयारी कर रही हूँ खिचड़ी में। तो उसके लिए मैंने घी लिया है और घी में डाला है हींग और जीरा और थोड़े से करी पत्ते, इससे टेस्ट खिचड़ी का बहुत बढ़ जाता है, और थोड़ी सी लाल मिर्ची बस डाल दिया है इसमें छोंक, बहुत ज़्यादा टेस्ट इस तरीके से बढ़ जाता है अगर खिचड़ी में। देखिए मरीजों वाली खिचड़ी भी ना बहुत अच्छी सी बन जाती है, हम लोग का भी मन करता है खाने का, तो ऐसे ही। और यहाँ पे इनके लिए तैयार की थी मैंने उड़द की दाल, आप देख सकते हैं इनको उड़द की दाल बहुत पसंद है, तो यही हम मैंने तो खिचड़ी खाई थी, सच बताऊँ मम्मी पापा वाली बहुत टेस्टी बनी थी, और इनके लिए उड़द की दाल बनाई थी, बच्चे भी खा लेंगे उड़द की दाल। तो हो गया ना तीन पीढ़ियों का खाना, बच्चों के लिए पास्ता और इनके लिए उड़द की दाल रोटी और मम्मी पापा के लिए खिचड़ी। तो बस उसके बाद मैं रोटियां सेक रही हूँ, और भोग मैंने खिचड़ी का ही लगा दिया था क्योंकि पहले जल्दी से मैंने खिचड़ी बना के दी थी मम्मी और पापा को।
करने जा रही थी मैं। उसके बाद खाना वाना सब हो गया था, बर्तन साफ़ करने बैठी हूँ। यहाँ के अंदर थोड़ा सा मेरा साफ़ नहीं है, तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मुझे आज बहुत सारे काम है। मैं सोच रही थी और भी ऐसे थोड़ा सा मशीन मुझे रखनी थी कि कुछ सिलने का सोच रही थी, तो देखती हूँ क्या होता है अभी तो आगे आगे। चलिए भाई, काम धाम हो गया है और मैंने बनाया था बच्चों के लिए टैंग। और आज मौसम देखिए, धूप चली गई बिल्कुल, ऐसा हो रहा है ना। इस कमरे में चलते हैं। बस बालों को मैंने खोल लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ना पसीना आ रहा था बालों में, और क्योंकि गर्मी दो दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के पहले, इससे पहले ना बहुत ठंडा, एकदम से मौसम ने ठंडा हो गया था, और अभी दो दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप समझ सकते हैं साड़ी वाड़ी पहन के और जहाँ ये ढका रहता है ना, तो ये सब पूरा गीला हो जाता है पसीने की वजह से। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठूँगी, आप लोगों से बातें करूँगी, और काम सारे हो गए इस टाइम के। तो बस पंखे के नीचे बैठ गई, उस वाले रूम में बच्चे टीवी देख रहे हैं, इस वजह से इसमें आ गई थी मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना रोशनी का थोड़ा कम वो है। या फिर अगर गेट वगैरह ये खिड़की खोलूँ तो फिर बाहर की वॉइस ज़्यादा आती है, तो मैंने कहा चलो इसी में बात करते हैं। तो बस बाल भी सूख लेंगे इतनी देर में, पसीना सूख लेगा और आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी, क्योंकि फिर मुझे ये वीडियो एंड भी करना है और एडिट भी करना है। धूप में रखी थी मैंने मशीन कि शायद थोड़ा सा धूप लग लेगी। थोड़ा सा मुझे काम करना था, जैसे कपड़े वगैरह काफ़ी हो गए थे सही करने के लिए भी, और कुछ करना भी था मुझे, तो धूप चली गई बिल्कुल। और अभी आज मुझे एक बात याद आ गई थी, एक्चुअली मैं बना रही थी वीडियो ऐसे है पकड़ के फ़ोन, तो कृष्णा बोलता है कि मम्मा आपको कुछ याद है। मैंने कहा क्या क्या, अब आप कितनी परफेक्ट हो गई हो, पहले कुछ याद है। मैंने क्या, इसने मुझे याद दिलाया। मैंने कहा हाँ सही बात है, क्योंकि इन दिनों की ही बात है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इन दिनों की ही बात है। मेरा जो पहला व्लॉग है ना, दो साल पहले हनुमान जयंती वाले दिन गया था पहला व्लॉग, तो सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी फ़ोन के मामले में, मैं कुछ भी नहीं जानती क्या यूट्यूब होता है, क्या जो है व्लॉग होते हैं, और क्या कुछ नहीं जानती थी। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, सच बता रही कुछ भी नहीं था। घर के लिए एक फ़ोन लिया था, जो छोटा वाला फ़ोन आता था ना, जो जियो वाले आते थे, वो था मेरे पास। और कुछ दिन पहले हमने टच वाला लिया था, शायद एक डेढ़ महीने पहले लिया था, तो वो इनके पास में रहता था। मेरे पास कोई टच का फ़ोन भी नहीं था, तो मैं उसी में देख लिया करती थी, जो जियो वाले फ़ोन में ही थोड़ी सी वीडियो देखने लगी थी। छः मुश्किल से 8-10 दिन पहले वीडियो देखने लगी थी मैं, और रश्मि शर्मा जी है जो देहरादून ब्लॉगर, उनकी वीडियो देखने लगी थी मैं। तो उससे थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट हुआ, उनकी वीडियो देख के मुझे लगा ये काम तो मैं भी करती हूँ, ये सारे काम, मतलब उनके जो काम करने का तरीका, जो काम थे, वो मुझे अपने से लगे, तो मुझे लगा ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मुझे अचानक से मेरा मन हुआ कि मैं भी अपना चैनल बना लूँ, जबकि मुझे सच बताऊँ कुछ भी नहीं पता था। आज अपने दिल की बात बता रही हूँ, ABCD तक नहीं जानती थी मैं फ़ोन के मामले में, मैं ब्लॉग के मामले में कुछ नहीं जानती थी, मैं इवन फ़ोन भी पकड़ना नहीं जानती थी। तो ऐसी ही कुछ दिन की बात है, मतलब ब्लॉग मैंने लगातार तो नहीं डाले थे, कुछ दिन छोड़ के डालती थी मैं। तो कृष्णा ने शुरुआत में एडिटिंग की थी, पहली जो एडिटिंग हम लोगों ने की थी ना, हे भगवान, पूरी रात हो गई थी हम लोगों को, हम माँ बेटों को। तो ये तो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या परेशानियाँ मुझे हुई थी, पर मैं अभी ये बताती हूँ कि जो कृष्णा को शर्मिंदगी फील हुई थी मेरे जो है यूट्यूब की वजह से, और क्यों हुई थी उस दिन, ये इतना परेशान हुआ था, और उस दिन मैं भी बहुत दुखी हुई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी, और बहुत अजीब भी लगा था कि ये सच में, मैं सच बताऊँ ना, मैं जो एक बिल्कुल साधारण गृहिणी होती है ना, जो बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ मैं वो हूँ, बिल्कुल कुछ भी नॉलेज, कुछ भी फ़ोन वगैरह, जबकि सबके पास अभी ये समझिए 2 साल पहले तक किसके पास फ़ोन नहीं होंगे,
किसके पास क्या मतलब टच वाले फ़ोन नहीं होंगे, कौन चला नहीं जानते, लेकिन मैं नहीं जानती थी। इतनी सिंपल हाउसवाइफ थी, हूँ मैं अभी भी हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि कृष्णा अपने दोस्त के यहाँ खेलने गया था, पड़ोस में ही खेलने गया था। तो उनके घर में उसके दोस्त की चाची जो थी भाई, वो एक्स्ट्रा एडवांस थी, कुछ भी समझ नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, पर हाँ उन्होंने कृष्णा से बोला कि आपकी मम्मी वीडियो बनाती हैं। कृष्णा बोला कि हाँ आंटी मेरी मम्मी बनाती हैं। तो बोले अपनी मम्मी को फ़ोन पकड़ना तो सिखा दो, उनको फ़ोन पकड़ना तो आता नहीं है। तो मैं फ़ोन पहले ऐसे नहीं पकड़ती थी, मैं ऐसे पकड़ती थी इस तरीके से, मुझे फ़ोन पकड़ना आता नहीं था, इस तरीके से पकड़ती थी। तो उसने उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को फ़ोन पकड़ना तो सिखा दो। क्या बताऊँ, ये लड़का तुरंत भागा हुआ वहाँ से आया, मुझसे बोला मम्मा भाई आप या तो उसको बंद कर दो या फिर आप अच्छे से सीखो, फ़ोन वोन पकड़ना नहीं आता आपसे। पता है वो आंटी क्या कह रही थी, मुझे बहुत बुरा लगा। और सच बताऊँ उस दिन मुझे भी बहुत बुरा लगा था, मुझे लगा देखो सही बात है। फिर इन्होंने भी कहा था, बोले आज तुम इस बात को ना, इस जो बात को आपको जो क्या ऐसे कमेंट कहेंगे, किसी ने आपको तुम्हें बोला है तो इसको अपना वो बनाओ, आप हथियार बनाओ। मैंने कहा ठीक है सही बात है, मुझे बहुत लगा। मैंने कहा आज मैं फ़ोन पकड़ना ही सीखूंगी अच्छे से। कृष्णा ने मुझे कई बार बताया मम्मा ऐसे पकड़ा करो, फिर मैं ऐसे वीडियो बंद करती थी, मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल क्या करना है। तो उस दिन कृष्णा ने मुझे कई बार बताया मम्मा ऐसे फ़ोन पकड़ा करो, ऐसे पकड़ा करो, तब जाके मैं सीखी। फिर उसके बाद ही मैंने, सच बताऊँ, फिर अगला वीडियो डाला, जब मैंने फ़ोन पकड़ना सीख लिया था तभी उसके बाद मैंने अगला वीडियो डाला था। तो उस दिन मुझे आज मुझे याद आई थी, कृष्णा ने याद दिलाया था कि देखिए कितनी उसको मतलब उस दिन बुरा लगा। और शायद वो ना कहती तो मैं आगे इतनी जल्दी सीखती भी नहीं, मैं ऐसे ही बनाती रहती। लेकिन उन्होंने बोला तो मुझे, कहते हैं ना कि जब कोई हमारी बुराई बताता है ना, कोई हमारी कमी बताता है, तो उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए, मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए, उस चीज़ को अपना हथियार बनाना चाहिए। कि उन्होंने कहा तो मैं इसी को सुधारना है। तो ये चीज़ मैंने शुरू से सीखी है, जो ये बात मेरे में शुरू से है, जो मुझ में कमी निकालता तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है ये अब मुझे ये कमी दूर करनी है अपनी, मुझे ये लगता है। तो मैंने उसको उस दिन से ही, और बाकी बहुत कुछ है जो मैंने सुना था और झेला था, वो मैं फिर कभी आपको बताऊँगी। तो अभी इस वीडियो का एंड करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और काम तो सारे हो ही गए, बस अब थोड़ी देर लेट होंगी, तो नहीं लेटने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलना। वीडियो एडिट करूँगी क्योंकि शाम को आपके तक पहुँचानी है और मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। अभी बच्चों की क्लास चल रही है, बच्चों के ट्यूशन चल रहे हैं। अब कृष्णा 3 से ट्यूशन पढ़ेगा, 3 से 4, 4 से 5, 2 दिन में जो है उसकी क्लास चलती है। तो फ़ोन मुझे नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं अभी वीडियो रात में डाल रही हूँ, क्योंकि दिन में जो टाइम होता है ना, ये वाला जो काम करके मैं, ये वाला टाइम जो मेरा लेटने का होता है, उस टाइम मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। और या फिर थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है, ये 5 बजे ट्यूशन छोड़ता है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम मुझे थोड़ा सा मिल जाता है, उस टाइम में वीडियो एडिट करती हूँ, तभी तो फिर रात में लेट हो जाता है वीडियो डालने के लिए। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो, और घंटी के निशान को दबा लीजिएगा। और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।